रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी सुबह सुबह अपने व्लॉग का आगाज़। जैसे कि रोज़ाना का आपको पता है, रोज़ाना की रूटीन और नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। काफ़ी देर से मैं उठी हुई थी और अब भी बनाने लगी हूँ अब्बास के लिए चाय। तो सबसे पहले अपना मैं थोड़ा सा करती हूँ मेकअप। मेकअप क्या करना है, बस मैं सुबह सुबह ना क्रीम लगा लेती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। वो मैं रोज़ाना लगाती हूँ, ये नहीं है कि नहीं लगाती, वो मैं रोज़ाना लगाती हूँ। फिर मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ महविश की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी आपकी प्यार भरी दुआओं के साथ अपने व्लॉग का आगाज़। और सुबह सुबह मैं मतलब नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद इसलिए क्रीम लगाती हूँ क्योंकि दिन के टाइम जो है ना, वो एक तो सुबह सुबह हवा चल रही होती है, देखिए एक तो हवा चल रही होती है और दूसरा जो है ना, बंदा अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करे तो अच्छे से करे। मैं रोज़ाना जो है ना वो सोचती हूँ कि मैं कुछ जो है ना अपने व्लॉग में कुछ नया करूँ। तो सोचा कि आज यहाँ से अपने व्लॉग की जो है ना वो स्टार्टिंग करती हूँ। और एक और सिस्टर थी, वो कह रही थी कि आप जो है ना वो जल्दी व्लॉग मतलब अपनी वीडियो अपलोड किया करें। बस मैं सारा दिन जो है ना वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप ऐड करते हैं। तो अगर मतलब लंबी वीडियो बनाऊँ, लंबी तो हर मेरी होती है, अब अगर मैं ज़्यादा बनाऊँ तो फिर आप लोग कहेंगे कि एक ही वीडियो मतलब जो है ना आप एक टॉपिक पे इतनी लंबी वीडियो बना देते। इसलिए फिर मैं जो सारा दिन जो भी सारा दिन की रूटीन होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं छोटे छोटे से क्लिप ऐड करती जाती हूँ शाम तक, शाम को मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मैं उसको अपनी सेटिंग करती हूँ अपने हिसाब से, तो फिर मुझे सो जाती हूँ मैं, देर हो जाती है सो जाती हूँ मैं। बड़ी बात तो ये है। तो कल आज रात भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं सो गई थी तकरीबन, मेरी आँख खुली थी 12 बजे के करीब, शायद 12 बजे से टाइम ऊपर हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट से अपना व्लॉग जो है ना उसको पब्लिक किया। तो फिर काफ़ी मैं बहन भाइयों ने भी क्या बोला था कि आपका व्लॉग जो है ना वो इतनी लेट की होते है, यही वजह है रात को मैं जब मेडिसिन खा लेती हूँ ना, खाना खाने के बाद मेडिसिन खा के तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। अगर मैं ना भी मेडिसिन खाऊँ ना तो भी मुझे नींद आ जाती है, यही वजह है मेरा व्लॉग जो है ना बहुत देर से अपलोड होता है। तो आवाज़ का फिर आपको ज़ाहिर सी बात है पता है, सॉरी मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। आवाज़ का तो फिर आपको पता है कि वो सारा दिन काम करते रहते हैं, उनको भी रात को टाइम मिलता है अपने व्लॉग सेट करने का। तो करते हैं जी मैं अपनी छोटी मोटी सी तैयारी, तो फिर अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो क्रीम मैंने लगा लिया और अब जो है मैं अपना करती हूँ स्टाइलर सेट। ऐसे और लिपस्टिक ये वाली मेरे पास, एक मतलब होंठ पे ये लगाऊंगी और दूसरी पे वो नीचे वाली मिक्स करके मैं लगाती हूँ। एक पे ये और दूसरे पे ये वाली, ये चमकीली है, ये खत्म होने वाली है, मैं फिर भी इसके जान नहीं छोड़ रही। ये देखिए दो कलर है, बिल्कुल हल्की सी हो गई है। तो ये थी मेरी छोटी मोटी सी तैयारी। हवा चल रही है बाहर, तो लगाती हूँ थोड़ा सा ये लोशन, पाउंड्स का ये लोशन है। तो सर्दी है ऊपर से,
करने के लिए भी तंग कर रहे हैं। तो अब रोज़ाना की रूटीन है, तो बनाती हूँ सबसे पहले चाय, तो उसके बाद फिर मेरे थोड़े से रूम की सेटिंग रहती है। और यहाँ पे इन्होंने सोलर प्लेटें जो है ना वो भी रख दी हैं, थोड़े से मेरा सामान यहाँ पे चारपाई पे पड़ा हुआ है वो भी अभी संभालना है। तो अल्लाह का शुक्र है आज बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप निकलने वाली है, तो मैंने इतना ज़्यादा आपका टाइम ले लिया, सॉरी। ठीक हो गया, तो बनाती फटाफट से चाय, अब आ जाते हैं बस फिर बाहर से चाय पीते हैं मज़े से सुबह सुबह गर्म गर्म चाय, जिस जिसने पीनी है वो हमारे साथ आ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक साइड पर मैं बना देती हूँ चाय, फ्लेम को और इस साइड पे मैंने तुमको कवर किया हुआ था, काफी जगह पे रख देती हूँ। यहाँ पे दूध को इसलिए ज्यादा कवर करती ताकि अच्छे से दही जम जाए। ठीक हो गया, इसको तैयार लगा के जो मैंने कल दही रखा था ना वो मैं निकाल के ऊपर डाल देती हूँ इसके अंदर ही, वापिस तो ताज़ा दही जो है ना वो क्योंकि आप इस बॉल में तो ये है बाजार जाओगे तो फिर इस तरह के बॉल जो है ना जरूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों के लिए। दही इतना काफ़ी है और ये वाला जो दही है ना इसको मैं वापस डाल देती हूँ तो लगाती हूँ मशीन। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी चाय को बॉयल आ चुका है, मैंने इसमें अपने हिसाब से थोड़ी चीनी ऐड की है और यहाँ पे मैंने लगाई है मशीन मक्खन निकालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मक्खन निकाल के देच का मैं धो के उसमें रात वाला दूध डाल के तो ये बाल्टी साफ़ करके लेके जा रही हूँ बास के पास दूध निकालना जानवरों का। और बस मेरी साफ़ सफाई रहती है वो कर लेती हूँ फटाफट से। ओहो, बर्फ़ पड़ी हुई थी, कक्कर जिसको हम कोरा बोलते हैं वो पड़ी हुई थी और हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये है जी बाहर का व्यू, सुबह सुबह सूरज निकल आया, हवा ना चले तो फिर सूरज जो है ना क्या बात है, धूप का मज़ा ही आ जाए। जी अभी सारे रूम की अभी ना सेटिंग वगैरह कर रही हैं, अभी मैं ना दूसरे अच्छा नहीं मैं दाल वालियाँ नहीं खानियाँ ना। हाँ जी, कहते ने दाल गर्म होंगी नहीं, हाँ जी मैं थोड़ी टेस्ट की सी छड़ी तो नहीं सी मैं लेकिन मजबूरी तो हूँ तुम प्लेटा सैट कर लगे उपर ठीक हो गया तो तुसी ये कर रहे हो कि मैं बाद में जो ना सारे कमरे की सेटिंग करनी है। हाँ जी उपर तारे लगाने गाने उपर रखो ना तुसी फिर ठंड बहुत ज्यादा है। एक कत्ता जो ना इतने रहने कि कम आ जाएगा। हाँ जी संभाल के रख दिए ना एक कत्ता, पता की करिए वह जी शीट है ना जो चूल्हे के नीचे वे अच्छा इस तरह की सही। अच्छा जी छत पे लेके जा रहे हैं वहीं पे सेट करेंगे। हाँ जी मैं गत्ता संभाल लेनी, मैं तुसी बस इत्ते सेट कर दियो।
अच्छा जी, बर्तन मैंने धो लिए हैं और यहाँ पे अब मैंने करनी है थोड़ी सी सेटिंग। वो टेबल से मैंने कर ली है। ये डिब्बा है ना थोड़ा मजबूत है, इसमें मैं डालती हूँ दाल। चने की दाल से ना वो एक ही डिब्बे में डाल देती हूँ। जो जो जैसे जैसे निकालनी होगी ना चूल्हे को मैंने इस साइड पे कर देना है। थोड़ी सेटिंग इनकी चेंज करनी है क्योंकि जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो इंग्लिश स्टैंड जो है ये लस्सी के साथ खराब होता है। ये वाला अच्छा जी, सारी साफ़ सफाई की है, सेटिंग मैंने कुछ इस तरह की है। वहाँ से भी सारा टेबल जो है ना वो साफ़ किया है, जगह मतलब सारी चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पे रख दी है। तो ये देखिए, ये चूल्हा मैंने थोड़ा सा उस साइड पे कर दिया है और जो मशीन लगाने के लिए ये थी ना एक चाबी, ये मैंने सच्चा हम बोलते हैं इसको, ये मैंने इस साइड पर रख दिया क्योंकि वहाँ पर ना ये इस्त्री स्टैंड जो है ना ये ख़राब हो रहा है। अगर गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये ख़राब होगा, कलर इसका उतरेगा। अब मैं इसको ना कुछ करती हूँ तो उसके साथ साफ करती हूँ। देख लीजिए, और दूसरे रूम की भी मैंने सारी जो है ना वो सेटिंग वेटिंग करके तो सारी साफ़ सफाई कर दी है। और बाकी जो है ना ये तारे वगैरह ये तो ऐसी बस फैली हुई हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, सारे मैंने काम ख़त्म किए हैं और अभी मैं बताने जा रही हूँ बुल्तान सोन हलवा, और जिसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने पास रखी हुई हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें ये सोन,
ये ऐड करेंगे। जितना ये सोन है ना उतना हमने इसमें मैदा ऐड करना है। ठीक हो गया, मैदे को मैंने अच्छे से छानी के साथ छान लिया था ये जी। और अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ऊपर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो बबल्स वगैरह हैं उठने ना ना रहे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे मुल्तानी सोस हलवा। तो अगर मुझसे मतलब जो भी बनाते हैं और जो बनाते रहते हैं जो ट्राई करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मुझे गाइड करेगा कि मुझे मिक्सर कहाँ से बनाती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से आपके सामने मिक्स कर लिया सारी चीजें। और अब इसमें 1 लीटर जाएगा पानी, ये है 1/2 किलो का कप। तो मैं 2 कप इसमें ये शामिल कर दूंगी पानी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना एक साइड कर देती हूँ और ये सारी चीजों को करते हैं मिक्स। आग मेरी पहले से जल रही है। इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 किलो दूध, घर का फ्रेश दूध है। और भैंस का दूध लिया मैंने, फ्रेश दूध है 2 किलो। ये देखिए आपके सामने है, ये भैंस का दूध है मेरे पास 2 किलो, क्योंकि भैंस के दूध से अच्छा सोन तैयार होता है। ठीक है, तो 2 किलो दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली हैं और अब इसको हल्का सा चमचा चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। ठीक हो गया, ये जो हमने मैदा और सोन इसमें ऐड किया है ना, ये जल्दी जो है ना इसको क्या करेगा, गाढ़ा। आंच थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ मैं। ये है मेरे पास क्या नींबू। अब दूध को खारने के लिए आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर फटकरी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ना ही मेरे पास फटकरी है, ना ही मेरे पास सिरका है और ना ही मेरे पास टाटरी है, तो इसलिए मैं लेमन का रस जो है ना ये ऐड कर रही हूँ इसमें। जितनी देर तक उसको दूध को बॉयल आएगा उतनी देर तक मैं रस जो है ना वो निकाल लेती हूँ।
और रस जो है ना इसका लेमन का अच्छे से हम निकाल लेंगे। हमने बस दूध को फाड़ लिया जिस तरह से भी खट्टी चीज इसमें ऐड करनी है ताकि हमारा दूध जो है ना ये अच्छे से फट जाए। दूध को गाढ़ा होने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये लेमन का रस। ठीक हो गया, चार से पांच मैंने लेमन जो है ना ये कट किए थे। आसान है ना ही इसमें बीज जाए और ना ही ये। इस तरफ हम दूध को देख लेते हैं, चलते चलाते रहेंगे इसको गाढ़ा करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इस पर कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, ये नहीं मुझे पता। दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ, जब मैं दूध में सिरका ऐड करूँगी दूध फाड़ने के लिए तो वो भी फिर आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी। इस तरह रखी वो जो है मेरी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, अब तो बॉयल आना शुरू हो गया और अब मैं इसमें ये जो लेमन का रस मैंने निकाला था ना वो ऐड करना शुरू कर दिया चम्मच से रखते हुए ना ताकि हमारा दूध जो है ये फट जाए। हमारा दूध जो है ना मसाला से फटना स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि ये जो इसकी क्रीम है ना इससे बारीक ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो पानी है इसको अच्छे से कर लेंगे खुश्क। ये देखिए मशाला, अब इसके तेल हल्का करके इसका पानी जो है ना ये अच्छे से खुश्क कर लेंगे। कि मैं आपको कैमरा नज़दीक करके तो दिखा देती हूँ। देखिए तो ज़्यादा चम्मच है ना वो हम नहीं चलाएंगे माशाल्लाह। देखिए अब इसका पानी जो है ना हम अच्छे से इसको खुश करेंगे ताकि हमारा पानी जो है ना इसके अंदर सारा ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो रहा है और अब इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। इसमें डाली रही क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी जो है ना वो छोड़ देना तो इस वजह से चीनी भी मैंने साथ में ऐड कर दी है। इसको कलर देने के लिए हम जहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप मेरे पास तो ये है कोको पाउडर, मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगी इसको कलर देने के लिए। अच्छा जी, ये है मेरे पास कोको पाउडर, अपने हिसाब से मैं इसमें ऐड करूंगी। फिलहाल तो एक चम्मच भर के अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ कोको पाउडर इतना सा। इसको अच्छे से करती हूँ मिक्स। बस इतना ही काफी है इसको कलर देने के लिए। अब
अच्छा जी, पानी को खुश्क होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं तेज आंच के बाद जो है ना पकाऊंगी इसको अच्छे से। अच्छा जी, मेरा पानी जो है ना तकरीबन 2 घंटे हो गए थे, इतना पानी था ना वो खुश्क हो रहा है। और यहाँ पे है मेरे पास 4 चम्मच घी के, एक एक चम्मच हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी जो है ना देसी घी है घर का, आज मैंने बनाया था, तो थोड़ा थोड़ा करके हम घी जो है ना इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा चम्मच को हमें चलाना नहीं है। ज़्यादा चम्मच को चलाएंगे नहीं, क्योंकि फिर ये जो इसकी भी है ना ये टूट जाएगी, ये बहुत बारीक हो जाएगी। थोड़ा ही हम और इसमें ऐड कर देते हैं। अब घी में इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये हमारा सोहन हलवा जो है ना हमारा तैयार हो रहा है। इसी घी में हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है सोहन हलवे की, और मैं हल्का हल्का चमचा चला रही हूँ। ये 4 चम्मच मैं लेके थी घी के, लेकिन 1 चम्मच जो है ना मैंने और ऐड कर दिया था, 5 चम्मच मैंने इसमें घी के ऐड किए हैं देसी घी, और हल्का हल्का सा चमचा चला रही हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी और भुनाई करूँगी। देखिए अभी भी थोड़ी कसर बाकी, देखिए सोहन हलवा हल्की आंच है, बिल्कुल चूल्हे के नीचे हल्की आंच है, ये देखें। अच्छा भी बाजारों हूँ कि मैं भी आ गया मेरे काम काज कपड़े में खाया। मैं अवशी ने बनाया सोहन हलवा, तो अगर टेस्ट किया मैं बहुत मज़ेदार बनाया है। थोड़ा रहा घी ने एक सैड कर ली घी, चलो को भी इतने घी दी खैर, इतना देसी घी है अगर फायदेमंद नाल खा हो जाएगा कला खाना मुश्किल हो जाना। ये है सबसे पहले मैंने इनसे डिब्बा मंगवाया था लोहे का, लेकिन ये लेके ये आए मिली है लोहे से मिली नहीं है जोड़ा मिलना मेरे पास ना घर पे, फिर ये पेपर पड़ा हुआ था, इसको अच्छे से कर लेती हूँ ग्रीस घी के साथ। देसी घी ना करना शुरू कर देता, चलो कोई नहीं ये काबू हो जाएगा। ऑयल भी ठीक है, पता है क्यों ये जम जाना नीचे, कुकिंग ऑयल घी जो जमना नहीं है। बस वो तू यही लगा दे जो पिया है वो मेरे को ही पिया करा दूर है। हाँ बेहतर, हाँ जी ये लगाओ, ये वैसे मसा को बेच डिप कर दो ना, डिप करके तो उसे बोर्श ना कर दो प्लीज, ग्रीस हो जाएगा। बस 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 ठीक है, बहुत मुझे ज़्यादा ना लगा छापना सकता ना डब्बे के नाल, हल्का हल्का लगाना, हल्का हल्का लग जाए बस। हाँ जी ਪਲੇਟ ਹੋ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋ ਮੈਨੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰ ਲੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਪੜਾ ਸਾ ਵੈਸੇ ਬਨ ਗਿਆ ਹੈ। एक दफा सारा इसमें ऐड कर देती हूँ इसको ना ठंडा होने में, क्योंकि अभी फ्रिज भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और इस वजह से ना ये ठंडा होने में थोड़ी देर लगेगी। वैसे मैं इसको देख सकते हैं आप कितना मज़े का और लग रहा है आपको, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। सिर्फ एक काटा किया है दूसरी चो फ्रूट कलर पा देना जो आम होंगे या माल्ट कलर। हाँ जी वो कितने पाया उन्होंने, मैं दुकान पे देखा उन्हों का बिल्कुल वो गाजरी कलर हो जाता है। नहीं नहीं सोन हलवे का कलर यही है, लेकिन जिसमें बेकरी वाले होंगे ना जितने भाई भी है वो फ्रूट कलर पाते सारा। अच्छा। कलर चेंज करने वास्ते ना। अच्छा
चलो कोई नहीं, जबरदस्त है, जायका बहुत मजेदार है, वैसे बनाई मेरा प्यारा है। जायका जो है ना इसका बना है, कलर ने की करना था अपने एक दिल में लाने वाली गल अच्छा लगे, सो बहुत मजेदार, मजा बहुत होता खाने का। सर रखिए दो दिन खाऊंगा, बड़ा सारा सुकून है, तो इसे खाना नहीं, मीठा बड़ा सारा सुकून है, खाऊंगा। मैंने मैनेज की थी, पर मीठा जो भी खाऊंगा। चलो खा ले, बकाया मीठा दे दी ना। हाँ जी, ठंडा होया ना, फिर मम्मी जी रहना कटिंग करके ना, फिर तो मेरे पास थोड़ा रख ले, तुम्हें पता है मेरी फेवरेट चीज़ है। अच्छा, मैं तुम्हारे पास भी रख ला। अच्छा जी, इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ, इस साइड पर थोड़ा कागज़ कम है तो इस वजह से। चमच लेना चुरी ने हो गए, बस कोई नहीं, और चमच ने तुम बराबर कर लेते ना, कभी तेल लग जाए, सोहनी लग जाती फिर चम्मच मैं उठना पड़ना फिर। चल इन्हें कर ला, उन्हें कर ला, तुम्हें बड़ी चम्मच ना बैक साइड तो माथा दबा बचेगा। इस तरह सुराख है, इस तरह फेरना दबाव दे दे, बस बकाया ठीक है, पर दबाव दे दे, मसाला सेट हो जाएगा बिल्कुल, जो ठंडा हो गया फिर इसकी कटिंग कर लेना थोड़ी। हाँ जी, बस ठीक हो जाएगा, बस कोने तो ठीक कर लेना, वो कोनियां छड़ पर तो ठीक ही ठीक है, जितनी देर तक ये थोड़ा हल्का ठंडा होगा ना, उतनी देर तक मैं ना जो इसकी डेकोरेशन करनी है ना, ऊपर से जो वास लेके आए हैं चीजें, और मिल गई दो चीजें, एक तो मिले इतो है अखरोट दी गिरियां, अखरोट दी गिरियां 80 रुपए के। हां जी, ते इधर 100 रुपए इतने बादाम मिले हैं, इस तरह से डेकोरेशन करूंगी इनकी, और कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मुल्तानी सोन हलवा कैसा लगा। बिल्कुल ये मैं यही पिक लगाऊंगी, यही सब कुछ होगा, कोई मैं फेक कोई कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज महेश कि दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, ठीक हो गया जी। तो डेकोरेशन हमारी होने वाली है मुकम्मल, मैं ख़ुद से कर रही हूँ जिस तरह से मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह के पंगे नहीं लिए, लेकिन अब जो है ना ये देखें, ठीक हो गया। आप इसको ठंडा होने में काफी देर लगी, बस ये बहुत हो गए, लगना आप दाम हो लगाए जाओ, सिर्फ और दूसरे लगाओ, अच्छे लग देने ना, पूरे ना दूसरे सिर्फ दूसरे लगाओ, रे बहुत हो गए इतने। अच्छा जी, इस तरह की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, इस तरह ये खुश चाहे मैं खुद ना खाऊं, लेकिन मुझे इस तरह की डेकोरेशन और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। सेंटर च भी लगाओ बड़ा पीस, ठीक हो गया, बस करो। अच्छा जी, सोन हलवा मेरा तैयार हो चुका है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कहीं से मिस्टेक की है। इसको थोड़ा सा ना प्रेस करती हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है, तो वरना ये ऊपर ही रह जाएगा, इस तरह से नीचे को इसको प्रेस कर देती हूँ अच्छे से, ताकि ये भी साथ में जम जाए। तू कहाँ जा रहा है, ऐसे इसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ ऐसे। ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, और करते हैं जी अपने व्लॉग का यहीं पे एंड।